मेरे साथ होने वाली एक एक ज्यादती का बदला तुझसे मेरा खुदा लेगा। जाने आरा! अब देख खुदा क्या करता है, देख मेरा खुदा क्या करता है। देखो क्या हुआ है अम्मी, भाई क्या हुआ अम्मी को? मिस मरियम, आपकी और टीचरों की तैयारी मुकम्मल हो गई है क्योंकि शान सर पहुंचने वाले हैं। जी मैडम, सब तैयारी मुकम्मल है। उनके मुताबिक इस स्कूल का एजुकेशन सिस्टम किसी भी प्राइवेट एजुकेशन स्कूल से कम नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी इंशाल्लाह। आ गए इस वेलकम का बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत खुशी हो रही है मुझे आज सबको इस तरह देखकर। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ प्रिंसिपल साहिबा आपका, और ख़ास तौर पे इन टीचर्स का जिन्होंने इन बच्चों पर इतनी मेहनत की है और जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दिया। थैंक यू। अलमीर बिन सज्जाद, फर्स्ट पोजीशन इन क्लास 4। हमना मलिक, फर्स्ट पोजीशन इन क्लास 6। सरीना जहरा, फर्स्ट पोजीशन इन क्लास 7। मेरे साथ होने वाली एक एक ज्यादती का बदला तुझसे मेरा खुदा लेगा। मेरी बहन, मेरी बहन बेकसूर है। देख मेरा खुदा क्या करता है। गुड़िया मैं आ रहा हूं, गुड़िया मैं आ रहा हूं, आ रहा हूं। Thank you.
मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मैं भी ढूंढ रही थी अपने उस गुनाह को जिसकी मैंने सजा काटी है। याद रखना जाने आलम, अगर तुमने झूठे कसम खाई तो उसका अजाब तुम्हारी बहन को भुगतना पड़ेगा। मैंने शहर के सबसे बड़े प्लास्टिक सर्जन से तुम्हारा अपॉइंटमेंट लिया है। तुम देखना, मैं तुम्हारा ये दाग मिटा दूंगा। तुम इस तरह क्यों हंस रही हो? गुड़िया तुम घर आ गई हो, बस तुम अपने घर में ही हो। क्या करूं, शरीफ बन जाओ भाई। शराफत किसी डिजाइनर का ड्रेस नहीं है जो आप मुझे खरीद देंगे। जिसे पहनते ही वो मेरे वजूद को चार चांद लगा देगा। क्या करेगा सर्जन, क्या करेगा सर्जन मेरे साथ? किस किस दाग को छुपाएगा वो मेरे वजूद पर लगे रूप पर या जो मेरे किरदार पर दाग लगे उन सब को छुपा देगा वो। मैंने एक साइकियाट्रिस्ट से बात की है, मैं तुम्हारी थेरेपी करवाऊंगा, उसने हमें कल बुलाया है। आप बस मेरे एक काम करें, इसी कमरे के कोने में मेरी कब्र खोद दे। नहीं काबिल रही मैं बाहर जाने के, नहीं काबिल रही। हर ख्वाहिश पूरी की है ना आपने मेरी भाई, हर ख्वाहिश, एक आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दे प्लीज, गोली मार दे मुझे। आजाद कर दे मुझे जिंदगी से, प्लीज इस दर्द से मुझे आजाद कर दे भाई प्लीज। बहुत दर्द में हूँ मैं, प्लीज मेरा दर्द कम कर दे भाई। आइए बैठे। अरे नहीं नहीं प्लीज आप बैठिए, ये आप ही की कुर्सी है और आपका ओहदा है, प्लीज आप संभालिए। थैंक यू प्लीज। वैसे जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था आपने उससे ज्यादा अच्छा रिजल्ट दिया मुझे। वैसे ये सारा क्रेडिट आपको जाता है सर। वैसे आजकल कौन चाहता है कि नीचे से कोई ऊपर जाए और किसी मजदूर का बेटा इंजीनियर, डॉक्टर या पायलट बने। मैं समझता हूँ कि तरक्की पे सबका हक है, किसी एक की मिरास नहीं है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सबको बराबर के मौके मिलने चाहिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब। खैर आपको मजीद फंड्स की जरूरत हो तो बताइएगा, मैं ट्रांसफर करवा दूंगा। श्योर सर। मैं चाहता हूं कि हमारे स्कूल का हर बच्चा बिल्कुल वैसी ही तालीम हासिल करे जिस तरह बड़े शहरों के प्राइवेट स्कूल्स में मिलती है। सर मेरी भी कोशिश यही है और यकीन कीजिए हमारा एजुकेशन सिस्टम भी शहर के बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों जैसे ही है। आई एम ग्लैड, थैंक यू सो मच। मेरे बच्चे, फिर हमको घर वापस आए 6 महीने हो गए, फिर भी तुमने अपना ये हाल क्यों बना रखा है बेटा? अम्मी भाइयों के गुनाहों की सजा, बहनों को क्यों मिलती है? कुदरत का ये कानून है बेटा, पाप
पाई, बेटा या फिर शोहर ही क्यों ना हो, मर्दों के गुनाहों का खमियाजा औरतों को भुगतना पड़ता है। तुम्हें काश मैंने तुम्हें गुनाह ना किया होता, काश मैंने अपनी बेइज्जती का बदला ना लिया होता। काश मैंने मरियम को बर्बाद ना किया होता तो आज मेरी गुड़िया बिल्कुल ठीक होती। उसे इतने दर्द से न गुजरना पड़ता अभी। या अल्लाह, अभी मरियम कहाँ होगी? उसे एक बार मिलना चाहता हूँ, एक बार माफी मांगना चाहता हूँ अपने गुनाहों के लिए। वो मुझे मिलेगी तो मैं उसके पैरों में पड़ के गिड़गिड़ाऊंगा, बोलूंगा अपनी बंदूक वापस ले ले, अपनी उसकी बंदूक लग गई मुझे, बहुत तकलीफ में हूं, अल्लाह ने उसकी सुन ली अम्मी, ना मुझे सुकून आता है ना मुझे नींद आती। अम्मिया मेरा एक काम कर दे, आप मुझे बंदूक होते थे कि मैं मर जाऊं। अल्लाह ना करे, ऐसी बातें नहीं करते बेटा, ऐसी बात नहीं करते। मेरी बेटी तो जीते जी मर ही चुकी है, अब तुम ऐसी बातें करके मुझे जिंदा दर को मत करो बेटा, मत करो ऐसी बातें। आपको अभी मेरी इतनी फिक्र हो रही है, अरे मैं आपका भी तो गुनहगार हूं अम्मी। गुनेगार हूं ना अम्मी, अम्मी आप मेरा काम कर दे, इससे पहले मुझे कोई और मारे, अम्मी आप मुझे मार दे। क्या कर रहे हो? अम्मी आप मार दे मुझे, अम्मी प्लीज मुझे मार दे, बहुत तकलीफ हो रही है, अम्मी मुझे मार दे, अम्मी आप प्लीज मार दे मुझे, मारो मैं आपको बेटा, अम्मी आप मार दे मुझे, मरियम मरियम का बेटा मुझको से मारो मेरा बच्चा। जाने आलम, जाने आलम, जाने आलम, जाने आलम।